आज मसाला किचन में बन रहे हैं ऑफिस के लिए 6 टिफिन, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी मैंने दी है रेसिपी। आज की बड़ी बात जो ये है ना कि हमारे 6 टिफिन तो बनेंगे, लेकिन इसी टिफिन से हम बच्चों का भी नाश्ता बना लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं मसाला किचन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, बहुत सारे ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ मैंने टिफिन के लिए जस्ट आइडिया दिया है, ये पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी में भी आपको प्याज डालना है, प्याज को स्किप करना है, लहसुन डालना है, या कैसे बनाना है, या कौन सी सब्जी बनाना है, ये आपकी चॉइस रहेगी। मसाले कितने डालने हैं, कम ज़्यादा, ये पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब क्योंकि संडे छुट्टी वाला दिन होता है और हमें संडे को कुछ ना कुछ हैवी खाने को मिलता है, तो आज मंडे को बनाएंगे दाल चावल और सूखी सब्जी। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। यहाँ मैंने दाल भिगा के रखी है, करीब 1 कटोरी दाल है। प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाला है और जो भीगी हुई धुली हुई दाल है उसे मैंने डाल दिया। इसे कुछ मिनट के लिए आप यूं ही रख दीजिए, जब तक कि इसकी पूरी झाग बाहर ना आ जाए। इस झाग को निकालना बहुत ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए। अब इसी में कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च, अदरक डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। ये दाल भी मिनटों में बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी लिड लगाकर 2 विसिल लगा लीजिए और 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर पका लीजिए। ये मूंग और तुअर की दाल मिक्स है। जब तक दाल पक रही है, दूसरी साइड मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ। एक पैन रखा है जिसमें मैंने जीरा डाल दिया है 1/2 चम्मच। यहाँ अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है तो आलू चिपके नहीं, तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर जरूर डाल दीजिए और फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे आलू बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाएगा, काफ़ी सारा ऑयल इसी में ही बच जाएगा, जिससे हम दाल में तड़का भी लगाएंगे। ये ट्रिक आप जरूर देखिए और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए। थोड़ा पकने के बाद इसे चलाकर इसमें नमक भी डाल दीजिए। वापस इसे ढक दीजिए। जब आलू सॉफ्ट होने वाले हों, इसमें डाल दीजिए मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इसमें नीचे जो ऑयल है उसे हम यूज करेंगे दाल के साथ। आलू जब सॉफ्ट हो जाए, आलू का ऑयल बचाते हुए एक बर्तन में निकाल लीजिए और इसी पैन में जो ऑयल बचा है उससे हम दाल का तड़का लगा देंगे। अब दूसरी तरफ से दाल हमारी पक चुकी है, इसे थोड़ा मसल लेते हैं। हरे धनिए की गार्निश कर दीजिए। अब जो ऑयल बचा है पैन में, इसमें बनाते हैं दाल के लिए तड़का। इसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, हींग, सूखी साबुत लाल मिर्च, करी लीव्स हो तो वो भी डाल सकते हैं, और जरा सा लाल मिर्च डालकर इस तड़के को दाल मसलने के बाद डाल दीजिए। ये लीजिए, पहले दिन का टिफिन बन गया है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। दाल, सूखी सब्जी, सैलेड जरूर रखें और साथ में राइस, रोटी, ये आपकी चॉइस है। राइस कैसे बने मैं अगले दिन बताऊंगी। यहाँ मैंने एक फ्रूट रख दिया है और एक छोटा शाम के लिए स्नैक्स रख दिया है। कई बार ऑफिस से जब लेट आते हैं या ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ऐसे में छोटा स्नैक्स जरूर होना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा देर तक भूखा न रहना पड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट डे के लिए। आज बना रहे हैं ट्यूसडे के दिन पनीर, लेकिन ये रेसिपी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं डालना है, फटाफट बन जाना है। ये मैं भुर्जी भी नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसा बना रही हूँ कि सॉफ्ट भी लगे टिफिन में, सूखा सूखा भी ना लगे और बहुत ही टेस्टी लगे। यहाँ मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, 1/2 चम्मच जीरा, 3 से 4 प्याज कटे हुए इसके अंदर डाल दिए हैं, थोड़ा पकाना होगा। इसमें डाल दिए 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसमें नॉर्मल 4 से 5 मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, बस। टिफिन की रेसिपी में ज़्यादा मसाले बिल्कुल न डालें, नॉर्मल 4-5 मसाले जो कि हमारे मसाले बॉक्स के अंदर होते हैं, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें जीरा पाउडर। जब प्याज थोड़ा सा पक जाए तब कटा हुआ पनीर इसके अंदर डाल दीजिए।
अब ये पनीर डालकर इसे थोड़ा सा पका लीजिए। अब क्योंकि ये सब्जी ड्राई ना हो तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। अगर आपके पास है तो जरूर डालें, या फिर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा ये सब्जी टाइट नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी और बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। गार्निश कर दीजिए हरे धनिया की, स्लो पे थोड़ा पकने के बाद गैस बंद कर दीजिए। लीजिए लगाते हैं आज सेकेंड डे का टिफिन। इसके साथ मैंने सादी रोटी रखी है, सैलेड रखा है और कुछ डेट्स रखी हैं। यहाँ पर मैंने एक बनाना रख दिया है। अब चलते हैं थर्ड डे हम क्या बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने पैन रखा है जिसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है, 1/2 चम्मच जीरा डाला है, बहुत थोड़ी सी हींग, 2 प्याज बारीक कटे हुए। प्याज नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं हर सब्जी से। थोड़ा पकने के बाद छोटी छोटी कटी हुई भिंडी डाल दीजिए। रात को ही पहले ही धो के पोंछ के कट कर सकते हैं। सुबह हमें बहुत जल्दी रहती है टिफिन की, तो कई काम नहीं हो पाते हैं। काला कलर ना हो इसके लिए चारों मसाले अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, जिससे ये भिंडी हरी की हरी रहेंगी। नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर। बस अब प्याज और भिंडी को आपस में पकने दीजिए। ऐसा करने से ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, कम ऑयल में ही बहुत ही अच्छी बनेगी। इसे ढकिए मत, खास बात का ध्यान रखना है। इसे आप आधा ही ढकें, पूरा न ढकें। थोड़ी थोड़ी देर में बीच में इसे चलाकर देखिए, जिससे ये सब्जी पकती रहे, और फ्लेम को आप मीडियम रखें। यहाँ पर मैंने भिंडी और प्याज को धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाया है। जब ये भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, मैंने एक ट्विस्ट दिया है इसमें, क्योंकि भिंडी बच्चे बेहद पसंद करते हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया है और बहुत थोड़ा सा आमचूर पाउडर। ये च्वाइस आपकी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। भिंडी तैयार हो गई है, हरी की हरी है और चिपचिपी भी बिल्कुल नहीं है। ऐसी भिंडी सभी बच्चे भी पसंद करते हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं। कई घरों में डेली दाल चावल चाहिए होते हैं। ये सारी चॉइस आपकी है, आप कैसे बनाएंगे। अब मैंने साथ में रोटी, सैलेड और फ्रूट में मैंने एप्पल रखा है, और शाम के स्नैक्स में मैंने रख दिया है मखाना। मसाले वाले मखाने कैसे हम रोस्ट करके रखें, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे रखी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। रोस्टेड मखाना बहुत हेल्दी होता है। अब चलते हैं आज नेक्स्ट डे के लिए राजमा। राजमा चावल और रायता बनाने वाले हैं। मैंने राजमा को ओवरनाइट सोक करके रखा है, इसे मैंने अलग से बॉयल नहीं किया है, डायरेक्ट मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। मैंने ऑयल डाला है 1 से 2 चम्मच, थोड़ा सा जीरा, बहुत थोड़ी सी हींग, लहसुन भी आप रात को ही कट करके बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब इसमें डाल दिया 2 प्याज, जिन्हें मैं थोड़ा सा पकाने वाली हूँ। साइड से रख दिए मैंने राइस। राइस बनाने के लिए भी चावल मैंने भिगा के पहले से ही रखे हैं। अब मैंने ऑयल डाला, जीरा डाला और जितना राइस है उसका डबल पानी डाल दिया है। जब ये पानी उबलने लगे तब इसमें डाल दीजिए चावल और डाल दीजिए नमक। इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने दीजिए। जब ऑलमोस्ट पानी खत्म हो जाए तब इसे ढककर 5 मिनट पका लीजिए। आपके चावल तैयार हो गए। आप चाहें तो कुकर में बनाएं। मैंने वैसे चावल कैसे बनाए जाते हैं, बॉयल चावल या फिर कुकर में, सारी रेसिपी मैंने दे रखी है। हमारे दोनों चैनल माँ ये कैसे करूँ और मसाला किचन, काफ़ी सारी रेसिपी व बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिलते ही रहते हैं। अब जब प्याज थोड़ा सा पिंक हो जाए इसमें मसाले डाल दीजिए, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर। ये सारे मसाले प्याज के साथ थोड़ा भून लीजिए। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल दीजिए, करीब करीब 3 टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब जो भीगे हुए राजमा हैं वो इसके अंदर डाल दीजिए। जो पानी मैंने भिगा के रखे थे, धो के और भिगा के रखे थे, वो पानी मुझे यहीं चाहिए राजमा के लिए। पहले राजमा को थोड़ा भूनना होगा। ये उबले हुए नहीं हैं, इस बात का खास ख्याल रखें। आप चाहें तो बॉयल करके पहले भी रख सकते हैं। मैं सुबह सुबह जल्दी में कई बार इस तरीके से ही बनाती हूँ। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी कसूरी मेथी,
और जो राजमा मैंने भिगा के रखा था वही पानी, एक्स्ट्रा भी पानी डालकर इसकी विसिल लगाएंगे। इसकी दो विसिल लगाइए और 10 मिनट स्लो गैस पर रख दीजिए। आपके राजमा तैयार हो जाएंगे। जब राजमा आप चेक करेंगे इस तरीके से सॉफ्ट है तो बस परफेक्ट है। अब चलते हैं हम रायता बनाने। रायते के लिए मैंने दही ऑलरेडी फेंट के रखी है, इसमें काला नमक डाल दिया है। आप चाहें तो बूंदी भिगा कर डालें। मैंने थोड़ा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया डाल दिया है। आज मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक भुजिया। सेव भुजिया डालने से भी रायता बहुत ही परफेक्ट लगता है। कई बार आप ब्रेड के पीसेस भी डाल सकते हैं, दही भल्ले की तरह लगता है। या फिर कई बार बूंदी डाल सकते हैं, बॉयल आलू डाल सकते हैं, खीरा ककड़ी भी डाल सकते हैं। राजमा बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया। आधा चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। आप चाहें तो नींबू ले सकते हैं इसके साथ। अब इसे सर्व कर लेते हैं। कई घरों में राइस के साथ रोटी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और कई घरों में दोनों चीज़ें ही चाहिए होती हैं। ये चॉइस आपकी है। ये राइस हो गए और अपने राजमा बन चुके हैं। अब इसके साथ हम रायता सर्व कर लेते हैं। साथ में सैलेड और चम्मच बिल्कुल न भूलें। स्नैक्स के लिए मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट रख दिया है और फ्रूट में मैंने एक संतरा रखा है। अब चलते हैं फिफ्थ डे का लंच तैयार करने। मैंने यहाँ पर पैन रखा है जिसमें थोड़ा सा ऑयल और जीरा डाल दिया है। मेरे पास आज शिमला मिर्च थी, उन्हें मैंने चौकोर कट कर दिया है और बॉयल आलू मेरे फ्रिज में थे, तो आलू शिमला मिर्च भी बहुत अच्छा लगेगा, वो बना रहे हैं। जब शिमला मिर्च थोड़ा पक जाए तब इसमें बॉयल आलू डाल दीजिए, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ हरी मिर्च और ये चारों मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें जीरा पाउडर। ये झटपट वाली सब्जियां भी बहुत टेस्टी बनती हैं, आप ट्राई जरूर कीजिए। इसे मिक्स करके स्लो गैस पर ढककर पका लीजिए, जिससे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, आलू भी मिक्स हो जाए और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट होके मिक्स हो जाए। जब ये सब्जी तैयार हो जाए गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। चलिए चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। मैंने इसके साथ रख दिया सैलेड, सब्जी, रोटी और पीनट्स रखे हैं शाम के लिए और फ्रूट में रख दिया आम को काटकर। अब चलते हैं लास्ट डे। लास्ट डे जो सिक्स्थ डे होता है, अक्सर हम फ्रिज में चेक करते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी सी बहुत सारी सब्जियां दिख जाती हैं। मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा ऑयल डाला है, जीरा डाला है, थोड़ा हल्दी पाउडर डालकर मैं इसमें कटी हुई गोभी, आलू डाल रही हूँ। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आप कितने जनों के लिए बना रहे हो। मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि ये सारी चॉइस आपके ऊपर है। थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें कटा हुआ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और एक कटोरी मटर के दाने, वो मैं डाल रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। सारी चीज़ें डालकर हम स्लो गैस पर इसे पकाएंगे, जिससे गोभी आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मेरे पास आज गाजर वगैरह नहीं थी तो मैंने इन तीनों सब्जियों को ही लिया है। गोभी के पीसेस बड़े बड़े हैं, आलू भी अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं, तो साइड से मुझे थोड़ा सा पानी डाल के इसे स्लो गैस पर रखना होगा जब तक कि सब्जी सॉफ्ट ना हो जाए। जब सब्जी सॉफ्ट हो जाए ऊपर से जीरा पाउडर, हरा धनिया डाल सकते हैं। गोभी आलू मटर बनकर तैयार हो गया है, चलिए सर्व कर लेते हैं। लीजिए टिफिन तो तैयार हो गए। अब इन्हीं टिफिन से हम बच्चों के लिए टिफिन कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद बच्चों के टिफिन की रेसिपी में। लीजिए सब्जी है, साथ में रोटी, सैलेड, आज मैंने फ्रूट्स में डाल दिए अंगूर और मैंने शाम के स्नैक्स के लिए थोड़ा नमकीन और कुकीज वो रख दी हैं। ये आप बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से जब आप टिफ़िन लगाएंगे तो आपका भी काम बड़ा आसान हो जाएगा और जो आपका टिफ़िन खोलेगा उसे भी बड़ा अच्छा लगेगा। कम मसाले होने चाहिए, तीखा एकदम से नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन बातों का खास ख्याल रखें।
ये टिफिन की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।